दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और पहले से अच्छा महसूस कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग समझ में आई थी, या अपने जीवन में उसको कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने लोगों के मार्गदर्शन करेंगे, ये सब आपका इस महीने का बिजनेस बता देगा। मैं कल भी एक बात कह रहा था, ये प्रोडक्ट्स अगर आप बेचने जाएंगे आपसे बिकेंगे नहीं, और आपको अगर इसके फायदे समझाने आते हैं तो ये मिलते नहीं है। फॉरएवर न्यू प्रोडक्ट्स एक महान अपॉर्चुनिटी आपको देता है और एक गिविंग एटीट्यूड देना सिखाता है। यानी आप किसी को जब इस प्रोडक्ट्स के नॉलेज दे रहे होते हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आनी चाहिए कि अगर ये खरीद लेगा तो इससे मेरा कुछ इंसेंटिव बन जाएगा जिससे मेरे घर का खर्च चल जाएगा या मेरे कुछ ड्रीम्स है छोटे मोटे वो पूरे हो जाएंगे। या आप किसी को अपने साथ जब इस अपॉर्चुनिटी में लाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में अगर ये बात आ जाती है कि अगर ये ज्वाइन कर लेगा, अरे ये दोस्त किसी कर लेगा तो इससे मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता? कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सेल्फिश दिखाया और सेल्फिश दिखाने की वजह से सामने वाला भी आपको जज कर जाता है कि ये व्यक्ति मेरा नहीं अपने फायदे के बारे में मुझसे बात कर रहा है। या तो आपका बिजनेस नहीं होगा, होगा तो कुछ ज्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब आप इस प्रोडक्ट्स के बारे में उसे समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट खाने से आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होएगा, आपकी बॉडी क्लेंजिंग पे आ जाएगी, आपको नहाने के बाद अच्छा लगता है, आपके शरीर की सफाई होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप इसके बिजनेस के मार्केटिंग प्लान में जब उसे लेके आते हैं और उसे बताते हैं यहाँ से आपको हेल्थ वेल्थ टाइम सिक्योरिटी फॉरन टू रिवार्ड रिकॉर्डेशन बहुत कुछ मिलता है। और मैं इस चीज को ले रहा हूँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो जिंदगी के साथ है और जिंदगी के बाद भी है। आपने कहीं भी उसको ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, आपने कहीं भी उसे ये नहीं कहा कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, आपको अपॉर्चुनिटी भी समझानी है, केवल समझानी है, प्रोडक्ट्स भी समझाना है उसका फायदा क्या करता है, और सामने वाले के ऊपर केवल छोड़ दो। हर कोई थोड़ा बहुत दिमाग रखता है, हर कोई बुद्धि रखता है। अगर आप फॉरेवरली प्रोडक्ट्स को सामने वाले के साथ केवल गिविंग एटीट्यूड के साथ समझाएंगे, यानी आप उसे कुछ देने की तरह जाएंगे, तो आपका हाथ इस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन में। नोट कीजिएगा मेरी इस बात को कि आपका जो हाथ होगा ना इस पोजीशन में होगा, और जब आपका हाथ इस पोजीशन में होगा तो यानी आपको प्राउड महसूस होगा कि आप कुछ दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने हाथ इस तरीके से कर लिया है कि आप कुछ मांग रहे हैं, और मांगने वाली जब पोजीशन आती है ना उसमें बड़ा ना शर्म महसूस होती है। अदर सिस्टम में फॉरएवर के अलावा अदर सिस्टम में हाथ ऐसे ही रहता है, जिंदगी भर केवल मांगने पे लगा रहता है, पैसे मांगने पे लगा रहता है, पूरी जिंदगी लोग मांगते रहते हैं कि आज ज्वाइनिंग उठाने के लिए मांग रहे हैं, कल पैसे के लिए मांग रहे हैं। लेकिन फॉरएवर प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान पहले दिन से हाथ को ये कर देता है, आपको केवल अपॉर्चुनिटी समझानी आनी चाहिए और प्रोडक्ट्स के फायदे बताने आने चाहिए। अगर आपको समझाना आता है और आपको बताना आता है तो यकीन मानिए आज की डेट में कोई ऐसा घर नहीं है जहां बीमारी नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। और आज से पहले जिस जमाने में मैं फॉरेन प्रोडक्ट्स को करने का मैंने निर्णय लिया था और मैंने स्टार्टिंग करी थी, उस जमाने में लोग बोलते थे कि अगर किसी को कोई काम नहीं मिलता था ना तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, या जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल जॉब की तरफ जाता है। लेकिन आप जिस जमाने में आज आप हैं, आज इस जमाने के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बातें करता है, नेटवर्क मार्केटिंग को समझता है, और आज सारी की सारी यूनिवर्सिटियां भी समझ गई है कि हर किसी को हम जॉब नहीं दे सकते हैं, केवल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होके लोगों को इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं। और ऐसा ही एक यंग आज का जो ट्रेनर है वो आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाएगा। वो बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, अभी बहुत सारा अभी जो एग्जाम्स हुए थे उन्होंने उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास अगर मिल जाते हैं तो बोलते हैं मैं ना किसी चीज की तैयारी कर रहा हूँ, और तैयारी करते करते उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो तैयारी करते करते भी आज की डेट में हजारों लाखों रुपए की इनकम के करीब पहुंच गया है, उसको अर्न कर रहा है और लोगों को कमाना सिखा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका लिए रोल मॉडल बन गया है, और ऐसा व्यक्ति जो आने वाले समय में आपको रोल मॉडल बनना सिखाएंगे, क्या ऐसे व्यक्ति को आज आप सुनना पसंद करेंगे? अगर आप सुनना पसंद करेंगे
तो जितनी जल्दी आप यस का मैसेज करेंगे उतनी जल्दी मैं स्क्रीन से चला जाऊंगा और मैं उसको सामने ले आऊंगा। आपके मैसेज का इंतजार है मुझे। मैसेज की स्पीड नहीं, मजा नहीं आई मैसेज की स्पीड में। हम 52 लोग हैं और विद इन सेकंड मैसेज केवल 15 मैसेज आए। बस कुछ ही लोग हैं जिसके अंदर आगे बढ़ने की चाहत है। अब आई स्पीड, बहुत बढ़िया। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए जिसकी ये ट्रेनिंग है आज मैं उसको इनवाइट करता हूँ। मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर हैं और उनकी टीम में भी बहुत अच्छे लीडर हैं यहाँ पे। और इतिहास गवाह, अगर पैसा किसी को कमाना है तो अपनी टीम में लीडर को डेवलप करें। कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं ना, उस इंडस्ट्री के अंदर लेवल की बात करें, लेवल कुछ भी हो, मैं बोलता हूँ कि सुपरवाइजर मर जाता है, मैं बोलता हूँ मैनेजर मर जाता है, मैं बोलता हूँ ईगल मैनेजर। लीडर नहीं मरता है, लेकिन लीडर कभी नहीं मरता है। अगर आप इंडस्ट्री ग्रो करना चाहते हैं तो आप लीडर को डेवलप कीजिए। जिस प्रकार आज सुशील जी मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर बन के निकले हैं, इस प्रकार आप भी अपनी टीम में लीडर के बनाने के लिए करिए। और जब तक आप लीडर नहीं बना पाते, खुद लीडर बनने की कोशिश कीजिए। बाकी आज की जो ट्रेनिंग है सुशील जी की है, सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आप स्टेज पे आइए और अपने आप को जितना भी कुछ है सब दे दीजिए। आज कुछ नहीं रखना, कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको। सुशील जी थैंक यू सो मच सर। और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आज टाइम से आप लोग हैं, क्योंकि कल के सेशन में बहुत सारे लोग जो हैं कनेक्ट नहीं हो पाए थे। मैं एक बार दोस्तों अपने गुरुजी, क्योंकि जिनसे सीख सीख करके आज इस लायक बना हूं, यहां तक पहुंचा हूं, आज वो जब होस्ट करते हैं ना तो रियली बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। तो एक बारी मैं चाहूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं जिस ग्रुप से आते हैं उस ग्रुप के मेंटोर और ग्रेट ऑफ ग्रेट अपलाइन सीनियर लीडर, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ फॉर एवर की इंडस्ट्री में मुझे जीरो से यहां तक लाने वाले वो पर्सनैलिटी कोई और नहीं, मिस्टर संजय गुप्ता जी हैं। मैं एक बार उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा और थैंक यू सो मच सर आप वेलकम के। आप लोग भी जहां बैठे हुए कैमरा ऑन करके सर के लिए ताली बजा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज मेरा नाम सर ने बताया आप सभी को, सुशील गुप्ता मेरा नाम है, दिल्ली का रहने वाला हूं, पूरी फैमिली हम दिल्ली में सेटल्ड है, बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर हूं। और फॉरएवर की शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 2018 को, मैं फर्स्ट डे दिल्ली आरडीओ ऑफिस गया था। बट फॉरएवर बिजनेस को समझने में, क्योंकि जब मैं गया था ना तो इंजीनियरिंग फील्ड के और मेडिकल फील्ड के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ठीक ठाक होते हैं और एक उनके अंदर ईगो होता ही है, एटीट्यूड और ईगो होता है, वो ईगो मेरे अंदर भी था। तो कहीं ना कहीं मैंने जब फॉरएवर की उस लाइन को देखा 21 अप्रैल 2018 को, जब मैं इसके फॉरएवर ऑफिस गया, दिल्ली आरडीओ ऑफिस जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। इस कोरोना वायरस से पहले जो भी व्यक्ति फॉरएवर की ट्रेनिंग को अटेंड किए होंगे, जो आज का सेशन हमारा क्या है, बीओपीपी, मैं बीओपीपी का सेशन आज मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस बीओपी सेशन को, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए पहले क्या होती थी, लंबी लंबी, बहुत लंबी लाइन लगती थी। तो उस लंबी लाइन को देख करके मैं पहले ही साइड हो गया, नहीं लगना। लेकिन जब बात समझ आई कि यहाँ से हेल्थ मिल सकती है, तो मैं गया दोस्तों अंदर और सुबह 9 बजे लाइन में लगा था, शाम को 3 बजे वाली ट्रेनिंग में नंबर मिला। और जब मैं अंदर गया, 3 बजे का सेशन लिया, एलोवेरा ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन की क्लास चल रही थी, जैसे कि कल मैदा मैम बता रही थी मुझे, उस सेशन को लेने के बाद तकरीबन 1 घंटे उस सेशन को मैंने कंटिन्यू लिया, तो मुझे पता चला कि यहां से हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। देन मेरी मदर पिछले कई सालों से बीमार रहती थी, मैंने ये प्रोडक्ट्स उनको दिए, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, फादर को रिजल्ट्स आए। मैं अपने पापा की बात करूं तो पापा क्या है कि काम पे से आने के बाद नाइट में डेली
ड्रिंक का एक पैक लेते थे वो डेली रात को, लेकिन अचानक क्या हुआ, मैंने आरजी प्लस लाया था, मैं फॉरएवर का आरजी प्लस लाया और आरजी प्लस को जेल में देना शुरू किया पापा को। तकरीबन 7 से 8 दिन फादर ने मेरे लिया, और लेने के बाद उनकी ड्रिंक खत्म, क्योंकि दोस्तों आरजी प्लस जो है क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। खैर हमारा प्रोडक्ट का सेशन नहीं है, मेन मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी स्टोरी के माध्यम से कि फॉर एवर के प्रोडक्ट्स बहुत ही मार्वलस थे। और फिर हुआ क्या, जो चीजें हमें अच्छी लगती है एक को दो को सौ को बताते हैं, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब घर में हेल्थ अच्छी होने लगी और घर में जब प्रोडक्ट्स के फायदे आने लगे, तो मैंने भी क्या किया, केवल अपने रिलेशन में चाची को मामी को मामा को ऐसे मैंने बता दिया कि आप इतने सालों से बीमार है, ये प्रॉब्लम है, आप ये ले लीजिए, लाइक दवाई की तरह, बट फॉर एवर के प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है। फिर ऐसे करते करते दोस्तों जून 19 में मैंने फॉर एवर फुल टाइम करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, और जब डिसीजन लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज फॉर एवर का पूरी तरह से होकर रह गया और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं अपने सेशन को। उससे पहले आप लोग एक्साइटेड हैं? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? प्लीज मुझे मैसेज करके बताएंगे। यस यस यस, हाँ जी, ओके, चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों मैं सुशील गुप्ता आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ इस वंडरफुल सेशन में, इस वंडरफुल वेबिनार सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और घर से बाहर ना निकले, क्योंकि दोस्तों ये जो कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक सिचुएशन है आज जो हमारे देश में, ये बुरा वक्त चल रहा है। यकीन मानिए इस बार बड़ी ही तेजी से ये अपने आप में ग्रो कर रहा है। सो प्लीज इस वायरस से बच कर रहे, प्रोडक्ट का सेवन करें और घर में रहे, प्रोडक्ट भी यूज करें और प्रिकॉशन पे भी रहे। तो आइए, वेलकम है आप सभी लोगों का ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड। ये क्या है ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड? क्या है ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड? जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ना, दुनिया का सबसे सुनहरा अवसर, तो एक नाम निकल कर आता है जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। इस फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल में अब सभी लोगों का वेलकम है, और ड्रीमर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जब पिछले साल पेंडेमिक सिचुएशन की क्रिएट हुआ था, ये जब मार्च में ये पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो अप्रैल मई जून में मैंने डीवाईओ को मतलब मेरे माइंड में कुछ ऐसा चला कि बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो अर्निंग करना चाहते बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जब आप अभी इस सेशन को लेंगे आगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने इस ड्रीमर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंड किया, और इसको करने के बाद आज दोस्तों मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जो यूथ हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत कुछ उनके अंदर ग्रो हुआ है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करूं, अर्निंग की बात करूं, एक अच्छे स्पीकर के तौर पर बात करूं, तो बात करते हैं दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बट हम इसको क्यों करें? यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू वर्क। किसी भी काम को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। आज लॉकडाउन बिहार में, आज ही 5 तारीख से 15 मई का लॉकडाउन लगा है, गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन लगाया, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है ना। उसी प्रकार किसी भी काम को करने का एक रीजन होता है, वो रीजन क्या हो सकता है, एक अच्छी हेल्थ के लिए आप फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छी वेल्थ के लिए आप फॉरएवर कर सकते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं 2 4 5 बॉडीगार्ड दे दिए जाएंगे, नहीं, सिक्योरिटी का मतलब है मैं इंजीनियर हूं, मेरे बच्चे इंजीनियर बने, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, गारंटी है क्या? नहीं है। डीएम का बच्चा डीएम बने, गारंटी है? नहीं है। बट फॉरएवर में सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं आपको 2 4 5 बॉडीगार्ड मिलेंगे। सिक्योरिटी का मतलब है कि आज मैं मैनेजर हूं, मेरी इनकम लाख प्लस महीने की जा रही है, फर्क नहीं पड़ता कि आज मुझे कुछ हो जाता है, तो एज इट इज ये बिजनेस और ये लेवल, ये इनकम सब मेरे इनहेरिट हो जाएगा, मेरी वाइफ को, मदर को, फादर को, जो भी मैं इनहेरिट में जिनका भी नाम दूं,
मतलब किसी एक को जनरेशन वाइज जनरेशन ये बिजनेस इनहेरिट हो जाता है, मेरी वाइफ को, वाइफ के बाद बच्चों को, बच्चों के बाद बच्चों को, ऐसे बिजनेस इनहेरिट हो सक, इसलिए भी आप इस काम को कर सकते हैं। टाइम की फ्रीडम, आज देखिए ना, आज तो कोरोना वायरस है इसलिए, चलिए पेंडेमिक है इसलिए हम लोग अपने घरों में, लेकिन इससे पहले भी जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं पहले से, जो लोग मेरे साथ एसोसिएट है, वो जानते हैं कि मैं कभी घड़ी देख के काम नहीं करता। मैं रात के 2 बजे भी काम करता हूँ, मैं दिन के 11 बजे भी करता हूँ, दिन के 6 बजे भी करता हूँ, दिन के कभी भी करता हूँ, मतलब कि यहाँ पे टाइम की फ्रीडम है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक मैं इस एक लाइन में बताऊं तो सुबह आपको कंबल में से ना टाइम देख करके नहीं उठना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी की नींद ले सकते हैं फॉरएवर में, ये टाइम फ्रीडम का मतलब है। लेकिन हाँ, मेहनत करने के बाद पीस ऑफ माइंड, अभी मैं आपको बताऊं, हाँ ठीक है बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन फॉरएवर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है। पीस ऑफ माइंड पता है क्यों है? क्योंकि वो पहली बात तो पैसिव इनकम जनरेट कर चुके हैं, दूसरी बात कि उनकी हेल्थ अच्छी है। कल मैडम ने जो सेशन दिया, आपको पता है इमोब्लाइंट के बारे में कितना अच्छा उन्होंने बताया, आरजी प्लस के बारे में कितना अच्छा उन्होंने बताया कि आरजी और इमोब्लाइंट रॉयल जेली आप कंटिन्यू यूज कीजिए ज्यादा मात्रा में, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आज मुझे देख रहे हैं आप, मैं आगे अपनी पिक दिखाऊंगा किस तरह से मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। इंटरनेशनल ट्रेवल की बात करूं दोस्तों, मेरे पूरे खानदान में, इंटरनेशनल की नहीं, पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ ना, उस फैमिली में अभी तक हवाई जहाज में बैठना ना सपना होता था मेरा, और ना मेरी फैमिली से बैठे है ना। क्या आप लोगों को बीओबीपी सेशन नहीं दिख रहा? नहीं सुशील जी, नहीं नजर आ रही है आपकी स्लाइड, नजर नहीं आ रही है इस पर। अच्छा जी, मैं तो आपको अपना ये फोन कैसे ही करने चल वाला रहा है था। सब कुछ? अब दिख रहा है क्या? यस 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 ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं एक बार ही रिपीट कर देता हूँ, देखिए, ये ड्रीमर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ मैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के साथ हम लोग क्या है, टाई अप है, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दी वर्ल्ड में आपका वेलकम है, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है ये। जब हम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स देते थे तो स्विच ऑफ करवाते थे मोबाइल, लेकिन आज पूरी की पूरी वेबिनार सेशन आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे। लेकिन हाँ दोस्तों, आप मोबाइल में भी अगर इसको ले रहे, तो कुछ लोग लेट कर लेते, बैठ कर लेते हैं, प्लीज मेंटली और फिजिकली आप सेशन को लें, क्योंकि ये 40 मिनट से 60 मिनट हम साथ रहेंगे, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन, जैसा मैं बताया था इस काम को करने का, एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है, एक अच्छी हेल्थ हो सकती है, एक अच्छा वेल्थ हो सकता है, एक अच्छी सिक्योरिटी। आप अपने कहते हैं विरासत में हमें क्या मिला है ना, बाप दादाओं से विरासत में क्या मिला, फर्क नहीं पड़ता, विरासत में हम छोड़कर क्या जाने वाले, फर्क पड़ता है। अगर आप भी विरासत में छोड़कर जाना चाहते हैं तो प्लीज आप भी सिक्योरिटी के लिए काम कर सकते हैं, टाइम की फ्रीडम के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या होता है, शटर उठाना पड़ता है हमें, जॉब में क्या होता है 9 से 10 या 10 से 5 की टाइमिंग होती है, बॉस की टाइमिंग से हमें जाना पड़ता है, बट यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं तो काम, सोए भी रहते हैं तो पैसा आता है, आगे मैं दिखाऊंगा। पीस ऑफ माइंड यहाँ पे रहते हैं, हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आगे दिखाऊंगा मैं। इंटरनेशनल ट्रेवल की बात कर रहा था दोस्तों, मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मेरा हवाई जहाज में बैठने का सपना हुआ करता था कभी, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल तो बहुत बड़ी बात हो गई, हवाई जहाज में बैठने का सपना होता था कभी, और आज मैं अभिषेक कुमार, प्लीज आपको ट्रेनिंग में नहीं रहना तो आप एग्जिट हो जाइए, बट ये स्क्रीन के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि आप एक की वजह से ना काफी लोग यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। आगे बात करूं मैं ग्लोबल नेटवर्क की, दोस्तों यहाँ पे आप अपने घर में बैठे बैठे 170+ देशों में ग्लोबल नेटवर्क बना सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है, अगर एक इंजीनियर है या डॉक्टर है, मैं एक डॉक्टर की बात करूं, अगर वो पूरे दिन में 100 पेशेंट देखते हैं, एक पेशेंट से उन्होंने 100 रुपए कमाया, तो 10,000 रुपए दिन का कमा लिए, महीने का 3 लाख रुपया उन्होंने कमाया। लेकिन अगर वो खुद 6 महीने बेड रेस्ट पे चले गए, कोरोना वायरस जैसा कुछ हो गया या कोई और आगे कोई वायरस आ गया, या किसी भी प्रोफेशन में कोई व्यक्ति है, अगर वो बेड रेस्ट पे आ गए तो क्या होगा? आज ये जीता जागता उदाहरण है आपके सामने दोस्तों, कि जो व्यक्ति पैसिव इनकम पे काम नहीं किए ना, आज उनका बहुत बुरा हाल है। आज कोई अमीर नहीं रो रहा, आज क्या बोला मैंने, कोई अमीर नहीं रो रहा। क्यों नहीं रो रहा? क्योंकि वो तो पहले से ही पैसिव इनकम पे, मतलब कि पैसिव इनकम को लेकर के उन्होंने अपना पैसिव इनकम बना रखा है पहले से ही, लेकिन आज रो कौन रहा है?
जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, या महीने में कमाते थे और महीने का उन्हें मिलता था, आज वो लोग रो रहे हैं। तो आप भी पैसिव इनकम के लिए काम कर सकते हैं। हम लोग ऑफर क्या करते हैं, पीस ऑफ माइंड, एक्साइटमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ये पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात अगर चल रही है ना, तो मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा, प्लीज आप रहें। वो वीडियो ऐसी है ना, मैं आपको ना बता सकता हूँ, डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आज तक आपने ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं देखी होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ मैं, जो वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो लास्ट तक रुके रहे इस सेशन में। पार्ट टाइम नॉरिक्स है, आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप उसको करते हुए पार्ट टाइम में कर सकते हैं। फुल टाइम अनलिमिटेड पोटेंशियल है। फुल टाइम जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला आगे देखेंगे आप। फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट है। अभी जो मैं सेशन ले रहा हूँ या ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्या इसका किसी तरह का आपसे चार्ज किया गया? नहीं किया गया। फ्री में आपको ट्रेनिंग, सोचिए एक ऐसी कंपनी जहां पे आपको लखपति करोड़पति बनने की ट्रेनिंग मिलती है, वो भी फ्री में। मार्केट में क्या होता है, बेरोजगार बनने के लिए लाखों रुपए हम लगा देते हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है दोस्तों, क्योंकि जिस कोचिंग सेंटर में, अगर मैं यूपीएससी लेवल की बात करूं, बहुत अच्छे जॉब और बहुत एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन माना जाता है इंडिया के अंदर, है ना, उसमें कितने 0.001% भी सक्सेस रेशियो नहीं है, लेकिन हम क्यों लड़ते हैं, है ना। क्या एक अंबानी फैमिली की लाइफ स्टाइल अच्छी है, एक आईएएस आईपीएस की? बात अब पावर की आएगी, पैसे की आएगी, दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। जिस दिन मोटिवेशन की क्लास होगी उस दिन मैं करूंगा। रिकग्निशन यहाँ पे बहुत मिलता है, जगह जगह पे रिकग्निशन मिलता है। अभी आप पता है आपको, अभी लास्ट टाइम जब हमारा सक्सेस डे हुआ था ऑफलाइन, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में, बिहार से भी कुछ लोग मेरे साथ आए थे, 20,000 से 25,000 लोग उस स्टेडियम के अंदर थे और रिकॉग्नाइज किया गया। सोचिए क्या आप भी वैसा रिकॉग्निशन ले सकते हैं। हेल्थ की बात कर रहा था ये दोस्तों, बिहार की समस्तीपुर की लेडी है। हमारे प्रोडक्ट इतने मार्वलस प्रोडक्ट है कि इनकी हेल्थ इस कदर खत्म हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला था अभी 10 से 15 दिन की मेहमान है, लेकिन जब इन्होंने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया दोस्तों, दवाइयां भी छोड़ दी और आज ये बिल्कुल हेल्दी है। बहुत ऐसे टेस्ट मनी है, यूट्यूब पे जाकर के देखिए आप, लेकिन ये मेरी सेल्फ टेस्ट मनी है। यहाँ पे वेट मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं आप, वेट C9। एक दयानंद जी है हमारी टीम में, उनके एक बेटे है, बड़ा बेटा है उनका, उनकी हेल्थ की बात करूं तो बहुत ज्यादा ही उनका फैट था, बट C9 उन्होंने भी किया है और बहुत मार्वलस रिजल्ट आया उनको, मार्वलस। कहते सर सारे कपड़े मेरे ढीले हो गए, मतलब 9 दिन में इतना वजन ये हुआ है। वेल्थ की बात कर रहा था दोस्तों, 3,84,15,689.43 रुपए। ये फॉरएवर का पोटेंशियल है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होगी बात, आप जाकर के गूगल पे सर्च करें रॉल की मंथली इनकम, आपके और मेरे जैसे ये भी एक FBO है जो जीरो से शुरू किए थे। मम्मी को किडनी में प्रॉब्लम हुई थी, उसके लिए प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया था, प्रोडक्ट के फायदे हो गए, डिजिटली इन्होंने बिजनेस को करना शुरू किया। आज 76 से ज्यादा कंट्रीज में इनका बिजनेस है, जर्मन के रहने वाले हैं और जर्मनी के टॉप अर्नर है। आप देख सकते हैं गूगल पे टाइप करेंगे, 6 से 7 करोड़ रुपए मंथली इनकम कर रहे हैं आज तक। फॉरएवर से 650 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 22 से 23 सालों में कमा लिया है। ये पोटेंशियल है फॉरएवर को, ओवर जज ना करें। जिसके पास सपने हैं ना 10-20-50 हजार कमाने वाले, फॉरएवर ना करें, इससे दूर रहें। अगर जिंदगी में ड्रीम है, बड़ा कुछ करना है, अपने नाम को ब्रांड बनाना है, अपने सिग्नेचर और नेचर कहते हैं, अपने सिग्नेचर को ना आपको अगर ऑटोग्राफ में चेंज करना है ना, अपने सिग्नेचर को अगर ऑटोग्राफ में चेंज करना है तो फॉरएवर करें आप। अगर खुद को रोल मॉडल बनाना है दुनिया के अंदर तो फॉरएवर करें। मैं कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री को कितने लोग जानते होंगे, कितनी दुनिया के कितने कंट्री जानते होंगे? मैं कहता हूं दोस्तों 196 कंट्रीज है पृथ्वी के ऊपर, सब नहीं जानते होंगे, लेकिन आज फॉरएवर 170 कंट्रीज में है। 170 कंट्रीज के लोग, 170 कंट्रीज के व्यूज रॉल किफ को जानते हैं, सूर्य सिन्हा को जानते हैं। आप भी बन सकते हैं, बिकॉज रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। और ड्रीमर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मेरा विजन ही यही है, मेरा विजन ही यही है दोस्तों, कि हम डिजिटली आकर के, आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं तरह तरह के सोशल मीडियाज है। अभी मैं रिसेंटली अभी की बात करूं, मेरे फादर को अभी किसी ने 20 रुपए क्या किया है, पेटीएम किया है, और मेरे पापा को पेटीएम वगैरह यूज करना नहीं आता, और वो इतने मतलब कि ये है कि स्कैम स्कीम समझते, कहते मैं अपना अकाउंट ऐड नहीं करूंगा, तो वो मेरे अकाउंट में, मेरे पेटीएम पे
फोन पे पे आया 20 रुपए। मतलब कि देखिए, मेरे फादर जो है फोन पे का यूजर नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है आज उनके, उनकी मजबूरी है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि कस्टमर क्या है, सेफ है, कैश देने से बढ़िया है वो डिजिटली पेमेंट कर देता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, एक टाइम था कि फॉर एवर को मैं भी डिसलाइक करता था, बट डिसलाइक मींस कि एक इंजीनियर होकर के ऐसे कंपनी में ये वो लोगों को बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हेडक, थोड़ा ईगो था अपने अंदर, एटीट्यूड था कि किसी से मैं झुक के बात करूंगा, किसी से कुछ। लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर पूरा 360 डिग्री मुझे इन्होंने चेंज कर दिया। मेरे गुरुजी, मेरे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अप्लायंस जिन्होंने मुझे दिन रात समझाया, मुझे बुझाया। दोस्तों बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है आपको यहाँ। सिक्योर फ्यूचर की बात करूँ ना, तो ये पंकज गुप्ता जी, आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, आईपीएस पंकज गुप्ता जी है। आप लिखेंगे ना यूट्यूब पे आईपीएस पंकज गुप्ता फॉरएवर, दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति 16 जनवरी 2016 को इन्होंने बीआरएस लेटर ले लिया और फुल टाइम फॉरएवर करने का निर्णय ले लिया। और इस ट्रेनिंग में हमारे बीच शायद कुणाल है और कुणाल की बहुत सारी टीम भी है। मैं जब कुणाल को लेकर आया था दिल्ली 27 फरवरी 2020 को, कोरोना वायरस से पहले, उसके अगले मंथ ही कोरोना वायरस का ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च को लॉकडाउन। तो ये आप देख सकते हैं कुणाल की फोटो है। कुणाल बोला सर मुझे सर के साथ फोटो खिंचवानी है, मतलब ठीक है खिंचवाते हैं। फिर सर से बोल के ये दिल्ली में इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में फोटो खिंचवाई थी। तो ये सब फेक नहीं है, विश्वास कीजिए, आप लोग भी मिल सकते हैं। ये पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी, आप भी मिल सकते हैं। मैं बिजनेस इनहेरिट की बात कर रहा था ना, ये मेजर भटनागर जी, आप जाकर के गूगल भी सर्च कर सकते हैं, मेजर भटनागर एंड हिज डॉटर। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मेजर भटनागर ज्वाइंड द बिजनेस फॉरएवर, ही लिव्ड अ वंडरफुल लाइफ एंड वाज अर्निंग हैंडसम मनी फ्रॉम फॉरएवर अ फ्यू डेज एगो। मतलब फॉरएवर करने से पहले, फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले ये मेजर थे, मेजर भटनागर जी जब अपने जॉब से रिटायर्ड हुए तो ये एक अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे और अपॉर्चुनिटी को देखते इनको फॉरएवर मिली और फॉरएवर को इन्होंने ज्वाइन किया। आज इस दुनिया में नहीं रहे ये, लेकिन अपनी बिटिया को एक हैंडसमली एनुअली इनकम 60 लाख रुपए की ईयरली इनकम छोड़ करके गए। सोचिए आज मैं किसी का पति हूं या कोई भी इंसान जो आज इस सेशन में बैठा है, जो भी लोग हैं, अगर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, माँ बाप हो, उनके भाई बहन हो, उनकी मतलब उनका जो भी परिवार है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचिए जितने पैसे आप अर्निंग कर रहे हैं उस पैसों में आपका घर चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या वो पैसा आपके इस धरती पे नहीं रहने के बाद भी आएगा जिससे आपका घर चलता रहे? मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं लाख करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाने वाले उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो आज फर्स्ट टाइम इस सेशन में होंगे। बहुत सारे यूथ होंगे, क्या दोस्तों पृथ्वी पे कोई ऐसा काम जानते हो, चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना हो सरकारी नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं जब तक आप है ना तब तक सरकार भी पेंशन देती है, और 2005 या 6 के बाद ज्वाइनिंग वालों की पेंशन भी बंद हो गई है। पहले क्या था, बाप दादा के बाद एक नौकरी मिल जाती थी घर में किसी को, अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सरकारी नौकरी भी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि कब किसको प्राइवेट कर दे कोई ठीक नहीं है, है ना। तो आप सोच कर देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 60 साल नौकरी करी, 40 साल नौकरी करी, वहां से आज कुछ नहीं आता उनके घर परिवार को, फॉरएवर से आता है। ये फॉरएवर की पावर है, पैसिव इनकम की, क्योंकि फॉरएवर शुरू करना आपके और मेरे बस में है, लेकिन इसको रोकना हमारे बस में है ही नहीं। पीस ऑफ माइंड, आराम से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करूं तो ये मेरी कॉलेज की पिक है, कॉलेज के क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्शन की पिक है। पूरे बटन खुले हैं या 2-3 बटन खुले हैं, इसी को हम लोग हीरोपंती कहते थे, है ना। लेकिन वही है, जानता कोई नहीं था। आज आप लोग अगर मुझे सुन रहे तो क्यों सुन रहे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, कुछ लोग यहाँ तक पहुंचना चाहते होंगे, कुछ लोग मुझसे बेहतर बनने के लिए आप सीख रहे हैं, है ना। लेकिन क्या ये जो पहले वाला सुशील था, इससे आप लोग सीखना पसंद करते नहीं करते? क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं थे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मेरी संगत नहीं थी। मैं कहता हूँ संगत से गुनाते, जैसी संगत में रहिएगा वैसी ही रंगत चढ़ेगी। मतलब कि शराबी शराब पीना सिखाएगा, जुएरी जुआ खेलना सिखाएगा, लड़कीबाजी करने वाला लड़कीबाजी करना सिखाएगा, मतलब आप जिस संगत में रहेंगे ना उसी संगत के हो जाएंगे आप। तो थैंक्स टू फॉरएवर की एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है फॉरएवर करने का, आज मेरी पर्सनैलिटी
बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। आज बड़े से बड़े लीडर मुझे फॉरएवर में बाय नेम बाय फेस जानते हैं। ये सब अगर हो पाया तो मेरी गुरु के वजह से, मेरे मिस्टर संजय गुप्ता सर मेरे मेंटोर है, हम सभी के मेंटोर है। तो थैंक्स सर, थैंक्स। जब भी ये फोटो देखता हूँ दोस्तों, और अब तक की सबसे प्यारी पिक है ये, है ना, बहुत अच्छी पिक है, आप पर्सनैलिटी देख सकते हैं ना, बाकी आपके सामने हूँ। आइए देखते हैं इस काम को करने का एक और सबसे बड़ा स्ट्रांग रीजन क्या हो सकता है। बिफोर यू डिसाइड जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, नाउ इट इज ऑल अप टू यू। सोचिए इस सेशन में, संजय सर की बात करते हैं, उनकी एज लगभग 44 है, लगते नहीं है वो अलग बात है, 44 उनकी एज है। और इस 44 की एज से पहले अगर मैं आऊं, 20 साल पहले हम लोग जाएं, तो तकरीबन 24 साल के रहे सर। अब 24 साल की उम्र में सर ने काम शुरू ही कर दिया होगा ऑलमोस्ट, तो उस समय 4 से 5 हजार रुपए, मेरे मेरे मतलब को समझिए, मैं भावनाओं को समझिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले एक फैमिली को चलाने के लिए 5 हजार बहुत होता था। क्यों? क्योंकि पहले एक नारा था, अभी भी नारा चल रहा, और पहले भी नारा चल रहा, अभी क्या, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, आप लिख सकते हैं हम दो हमारे दो। अब तो हो रहा है कि हम दो हमारे एक, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जा रहे हैं, फिर भी घर का सब कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है, कंप्रोमाइज की लाइफ चल रही है। और पहले क्या होता था, हम दो हमारे गिन लो, हम दो हमारे गिन लो, फिर भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। रीजन जानते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि पहले लग्जरियस नहीं था, आज क्या है, लग्जरी है। आज अगर आप सपोज डेट कोई पिताजी है जिनके 4 बेटे हैं और वो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अब सोच के देखिए आपकी कमाई 15,000 रुपए मंथली है, और अगर वो चारों बच्चों ने एक मोबाइल मांग लिया, तो 10-10 हजार से नीचे तो मोबाइल लेंगे नहीं, 15-20 हजार से नीचे मोबाइल लेंगे नहीं वो। अगर 10-10 हजार का भी मोबाइल आपने दिलाया तो 40,000 रुपए का मोबाइल होता है। अगर बाइक मांग लिया, पहली बात तो हम मोबाइल नहीं दिलाते कि बेटा तू बिगड़ जाएगा, बाइक नहीं दिलाते कि तू एक्सीडेंट कर जाएगा, हम उन्हें ये नहीं बताते कि तेरा बाप नहीं दिला सकता। मैं पालम, मेरा घर यहाँ सेक्टर 3 में है, मैं बताऊं आपको, यहाँ से पालम एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है मेरे, तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वहां पे ना जब भी मैं जाता हूँ, अब तो मेरी उधर टीम स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी टीम है, तो उधर जब भी मैं जाता हूँ तो वहां पे ना बहुत सारे लोग कार रोक के, बाइक रोक के क्या करते हैं ना, अपने फैमिली को, बच्चों को ना हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाते हैं, कहते देख दिखा सकता हूँ, बिठा नहीं सकता हूँ। आप लोग कैसे पिताजी बनना चाहेंगे, मतलब अपने बच्चों को, अपने वाइफ के, अपने माँ बाप की जरूरतें, सपने पूरा करना चाहेंगे, या बस कंप्रोमाइज, दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी। दोस्तों जिंदगी एक बार मिली है, है ना। दो तरह के लोग आते हैं, एक वो व्यक्ति जो धरती पे क्यों आया उसको पता नहीं होता, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति ऐसा जो आया, खाया पिया, वंश बढ़ाया, चला गया, उसे पता ही नहीं आया क्यों वो। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि आता है, खाता भी है, पीता भी है, वंश भी, और वो कुछ ऐसा करके जाते हैं ना कि दुनिया उनको याद करती है, कहते हैं कि या तो लिखने लायक कुछ कर डालो, या तो लिखने लायक कुछ कर डालो ताकि आपके बारे में लिखा जाए, या तो लिखने लायक कुछ कर डालो, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालो, या तो आप कुछ इतना अच्छा लिख करके चले जाइए दुनिया से कि दुनिया अमर बनाए रखे आपको, या तो कुछ लिखने लायक ऐसा कर जाइए कि आप हमेशा अमर रहे। मेरे कहने का मतलब है कि आज से 20 साल पहले दोस्तों 5,000 रुपए बहुत होते थे एक फैमिली को चलाने के लिए, लेकिन आज की क्या कंडीशन है। आज एक अगर मेट्रो सिटी की बात करूं, स्मार्ट सिटी की बात करूं, गांव देहात की बात करूं, तो 1,50,000-2,00,000 रुपए चाहिए एक अच्छी कार मेंटेन करने के लिए, मतलब एक अच्छी लाइफ के लिए, मतलब मिडिल क्लास लाइफ के लिए, बहुत बड़ी लाइफ भी नहीं, एक एक मतलब मिडिल क्लास लाइफ के लिए 2 से 4 लाख रुपए चाहिए। क्या आप लोग जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आप इतनी ग्रोथ ले सकते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, अभी इस सेशन से आप बाहर हो सकते हैं, आप उसी काम को कीजिए। लेकिन वहां पे आपकी इतनी ग्रोथ नहीं है, अगले 20 साल बाद भी आप यहां नहीं पहुंच पाए, तो प्लीज प्लीज इस सेशन में रुके रहे, बिकॉज नाउ इट इज ऑल अप टू यू। बिफोर यू डिसाइड जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, यू माइट थिंक time is sleeping. Why? There are FBOs in India today earning more than 8 lakh per month. बहुत सारे forever business owner है इंडिया के अंदर जिसकी 8 लाख रुपए पर मंथ इनकम आज की डेट में है। सोचिए 20 साल बाद क्या होगी। There are FLP managers in India
अर्निंग अराउंड 3 लाख पर मंथ। इस ट्रेनिंग सेशन में भी ऐसे मैनेजर्स हैं जिनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा महीने की है। सम एफबीओज आर डॉलर्स मिलियनियर्स, सम इंटरनेशनल एफबीओज इवन फ्लाई देयर ओन हेलीकॉप्टर्स। हाँ हो सकता है सर के ऊपर से बात जा रही हो, लेकिन फैक्ट है, अगर कोई अमेरिका नहीं गया, अगर कोई ताजमहल देखने नहीं गया आगरा आज तक, अगर कोई दिल्ली का लाल किला नहीं देखा, दिल्ली का लोटस टेम्पल नहीं देखा, तो क्या नक्शे पे से अमेरिका हट गया, क्या नक्शे पे से ताजमहल हट गया, क्या नक्शे पे से लोटस टेम्पल हट गया, लाल किला हट गया? दोस्तों लाल किला भी है, लोटस टेम्पल भी है, आगरा में ताजमहल भी है, और नक्शे में अमेरिका भी है। अगर आप गए हैं तो आप इंजॉय करेंगे, अगर आप नहीं गए हैं तो आपको झूठ लगेगा, क्योंकि वो लोमड़ी की कहानी हमने पढ़ी थी बचपन में, अंगूर खट्टे हैं, है ना। यस, आज इस फॉरएवर में बहुत ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर इंजॉय कर रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है सुशील गुप्ता फॉरएवर, जैसे ही आप डालेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा, उसमें कई सारे एफबीओस की लाइफस्टाइल लाइव रिकॉर्डिंग है, कोई कैमरे से मोबाइल की रिकॉर्डिंग है, नॉर्मल रिकॉर्डिंग जो हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। 2 मेजर ट्रेंड्स इन इंडिया, आखिर इतने पैसे कैसे, हाउ इट पॉसिबल? तो उसका मेन रीजन क्या है, 2 मेजर ट्रेंड्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर 2 मेजर ट्रेंड्स जो है बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, बड़ी तेजी से। मेरे पापा बताते हैं कि बेटा जब हम लोग तेरी उम्र के थे ना, मीन्स कि आज से 20-25 साल बैक अगर जाइए, 30 साल पहले, तो बताते कि पकड़ पकड़ के कहते थे चल सरकारी नौकरी लेने। उसके बाद दिल्ली में जिस जगह आज मैं खड़ा हूँ, पापा कहते थे एक टाइम था यहाँ पूरा जंगल था। संजय सर भी जानते होंगे, अगर उनको आइडिया, वो जानते ही होंगे जब मुझे पता है तो, क्योंकि मेरा और संजय सर का घर बगल में ही है। तो ये उत्तम नगर का जो एरिया था ना, बताते हैं कि बहुत सस्ती जमीन थी वगैरह वगैरह, लेकिन अभी मेरे घर के जस्ट बगल में 100 गज की जमीन, जिसको बिहार के भाषा में बताऊं 10 धुर जमीन, 10 धुर जमीन 1.5 करोड़ की बिकी है। सोचिए, मतलब कि उस समय में जो बाबा जी बेचे हैं वो बता रहे हैं कि 60 पैसे का गज लिए थे जमीन, और आज 1.5 करोड़ रुपए का जमीन बिका है वो। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। एक समय था कि जो सरकारी नौकरी में चला गया था या जो उस जमीन को परचेज कर लिया था, आज वो करोड़पति अरबपति उनके जनरेशन है। तो आज का जो 2 मेजर ट्रेंड्स है वो क्या, पहला नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। खाना है बताना है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैं अभी आपको सर्च मार के दिखाता हूँ गूगल पे कि एक्चुअली में हेल्थ और न्यूट्रिशन की मार्केट कितनी बड़ी है। जस्ट वेट, मैं लाइव आपके सामने सर्च मारता हूं। स्क्रीन ओके है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, मैसेज कर सकते हैं आप लोग, चैट करते रहिए, कैसी लग रही है ट्रेनिंग, दिख रहा है आपको, गूगल दिख रहा है, प्लीज कमेंट कीजिए अगर गूगल दिख रहा है आपको। तो ये देखिए, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री आपके सामने मैंने सर्च किया है, ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री क्या आ रहा है, ये देखिए कितने लोगों को प्राउड फील हो रहा है कि जो पहले से फॉरएवर के साथ हैं। बिकॉज डू यू नो अबाउट फॉरएवर, फॉरएवर ऑल अबाउट न्यूट्रासिटिकल कंपनी है जो कि वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है, और दी नेक्स्ट ट्रिलियन बाय दी वेलनेस इंडस्ट्री विल एक्सीड दी $1। अब आप सोच के देखिए दोस्तों कि ट्रिलियन डॉलर जानते भी हैं आप? मैं डिफाइन करता हूं ट्रिलियन डॉलर क्या होता है। आज तक की जो इंडस्ट्री थी वो मिलीनियर बिलीनियर डॉलर की इंडस्ट्री थी, लाइक कुछ भी ले लें, कुछ भी। लेकिन आज जो वेलनेस इंडस्ट्री आने वाली है, चाहे वो स्क्रब की इंडस्ट्री हो, चाहे मैं बताऊं आपको वो एलोवेरा जेली की इंडस्ट्री हो, मतलब स्किन केयर हो, पर्सनल केयर हो, चाहे हमारे एवोकेडो सॉप की हो, मतलब कि लगाने और खाने का जो इंडस्ट्री है उसमें हम वर्ल्ड के बेस्ट हैं। नेचुरल बनाने वाली कंपनी है और दुनिया का नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्री में हम लोग रहते हैं, बिलोंग करते हैं उस कंपनी से जो नंबर 1 का खिताब ले रखी है। क्या जब ट्रिलियन मतलब मिलीनियर मतलब होता है लखपति, इंडिया में 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले को मिलीनियर कहते हैं, मींस कि लखपति।
एक करोड़ से ज्यादा वाले को बिलीनियर, करोड़पति, ट्रिलियन डॉलर। एक एक अगर 10 लाख रुपए में हम लोग इंडिया में मिलीनियर है तो यूएसए की बात करें तो 10 लाख गुने 75 इंटू 10 लाख, तो 10 लाख गुने तो वो आप इंटू कर लीजिए तो वहां पे मिलीनियर बनेंगे, फिर उतना इंटू कर लीजिए बिलीनियर बनेंगे, है ना। और ट्रिलियन डॉलर, आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं है ट्रिलियन डॉलर की, ये पहली इंडस्ट्री होने जा रही है जिसका आप सेशन ले रहे हैं, जिसकी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोच के देखिए, बल्ले बल्ले हो जाएगा, बस करना क्या, सीखना है कंटिन्यू। जैसे हम स्कूल में इंजीनियरिंग के लिए, सीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, 3-4 साल का कोर्स करते हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं, हम मेडिकल करते हैं, हम लोग और भी अलग अलग प्रोफेशन में जाते हैं, तो जिस तरह लर्निंग करते हैं उसी तरह फॉर एवर भी 3-4 साल का कोर्स है ये, यूथ के लिए बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आते ही करोड़पति, नहीं, फिर तो वो स्कीम और स्कैम है जहां पे करोड़पति भी बनोगे और रोडपति भी, अक्षय कुमार की तरह, सुनील शेट्टी की तरह, है ना। देखिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री है ट्रिलियन डॉलर। हो सकता है आपने पीसी बूम मिस कर दिया, हो सकता है आपने .com रिवोल्यूशन मिस कर दिया, लेकिन इसको मत मिस कीजिए, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे आसान काम कोई है तो वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। बाय नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज अ वेरी सिंपल बिजनेस, एनीबडी कैन डू इट। हैव यू एवर रिकमेंडेड? अब सोचिए ना, अगर मैंने ये स्क्रब यूज किया, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, कि दुनिया का मात्र एक ऐसा स्क्रब है फॉरएवर का, जो कि स्क्रब करते समय इसके राउंड राउंड जो रिंकल्स होते हैं, राउंड राउंड होते हैं, मार्केट के और जितने होते हैं अखरोट और मूंगफली के छिलके के होते हैं, वो स्क्रेचुअल होते हैं, उसे आप ज्यादा लगड़ नहीं सकते। तो ये सब ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग में आप जानेंगे, तो मैं यूज करके बता तो सकता ही हूँ ना, बिल्कुल। उसके बदले कंपनी क्या करती है, हमें देखिए सिंपली यहाँ पे करना क्या है, इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद एक ही काम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा तो रिकमेंड कर देना है। इसके बदले कंपनी आपको पे करेगी, बिकॉज जो मार्केट का स्क्रब है वो स्क्रब बनता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया, वो भेजते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो भेजते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो भेजते हैं होलसेलर के पास, वो भेजते हैं रिटेलर, और बीच में आते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, ठंडा ठंडा कूल कूल 2 रुपए का नवरत्न तेल सर में लगाइए, सर दर्द से आराम पाइए। उसके बाद आती है एक मिस इंडिया जो कि कहती है मेरी सुंदरती का राज लक्ष्य साबुन। पता नहीं कितनों को विश्व सुंदरी ने टॉयलेट सोप से नहलवा दिया, आपने घर में जाके पढ़िएगा, 95% सोप टॉयलेट सोप है जो इंडियन यूज करते हैं। ऐसा देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, या फॉर एवर दुनिया की सबसे अच्छी है इसलिए ऐसा बात नहीं कर रहा, मात्र मैं अगर फॉर एवर की बात करूं तो ये देखिए, इस पे कंपनी लिख करके बेचती है एलो एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप, और ओ माय गॉड इतना मार्वलस प्रोडक्ट है ना ये, बटर एवोकेडो के मक्खन से बना हुआ है, सोचिए मक्खन से नहलाती है फॉर एवर, खा जाइए कोई गम नहीं है। लेकिन इसी चीज जो मैं बता रहा हूं, अभी मैंने यूज किया, मैं शेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, मैंने यूज किया, मैं शेयर कर रहा हूं, और जब मैं ये शेयर कर रहा हूं तो यहाँ का अमिताभ बच्चन मैं हूं, यहाँ का शाहरुख खान मैं हूं, यहाँ का सलमान खान मैं हूं, यहाँ का अनुष्का शर्मा मैं नहीं हूं, वो हमारी गर्ल्स हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रही हैं। प्लीज करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मॉडलिंग करनी है, ठीक है। इसी बात के देखिए, बीच में जो ये पैसा होता है ना, तो मान लीजिए ये स्क्रब है, अगर ये 100 रुपए का है, मार्केट का है 100 रुपए का है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, 10:1 रेशियो बन होती है मार्केट के प्रोडक्ट्स में। अगर कोई स्क्रब 100 रुपए का मिल रहा है तो वो जरूर वहां से मैन्युफैक्चरर से 5 या 10 रुपए का चला होगा, तब जाकर के आज 100 रुपए का हमें मिल रहा है। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम कर और मर, कस्टमर कष्टों से मर, है ना। लेकिन फॉरएवर कहता है नहीं, हमारे लिए प्रीफर्ड कस्टमर, हमारे लिए जो भी यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट यूजर है वो कौन है, वो दोस्तों हमारे सेफ हैंड में आप हैं, फॉरएवर अपने सेफ हैंड में आपको रखती है, कहती हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी जिंदगी है, हमें दुनिया का सबसे 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 बेहतर बनना है, सबसे अच्छा बनना है ना। तो फॉरएवर जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, फॉरएवर अपने साथ आपको बिजनेस ओनर के लिए क्या करना है, सिंपली नाउ स्टार्टिंग। और सोचिए, अब तो सोने पे सुहागा हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंडिया में थी जो फॉरएवर कह रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स कराती थी, लेकिन थैंक्स गॉड कि अब इंडिया का सेंट्रल जो है
दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग चल रही है, सोचिए। और जब पढ़े लिखे बच्चे बाहर आएंगे और जब सुशील गुप्ता के साथ ज्वाइन होंगे, सुशील गुप्ता तो त्राही त्राही मचा देगा, जैसे आज कोरोना वायरस चाइना से चल के आज पूरी दुनिया में उसने क्या कर रखा है, हंगामा मचा रखा है, त्राही त्राही कर रखा है। उसी तरह जब मेरा नेटवर्क कोरोना वायरस की तरफ फैलेगा तो सोचिए बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के हर घर में एलोवेरा जाएगा, और ये जाएगा और सिर्फ मेरे ग्रुप से जाएगा। जाएगा दोस्तों, करो मैसेज, दरभंगा हो बिहार का कोने कोने तक प्रोडक्ट जाएगा और एक ही ग्रुप से जाएगा, वो होगा ड्रीमर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और हर कोई उस प्रोडक्ट को, जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल को प्रचार करके आज बांद्रा में हवेली में रहते हैं ना, हर डीवाईओ का एक एक बिजनेस पार्टनर उससे बड़े बिला में रहेगा। बिहार में जमीन की कमी नहीं है, बिला बना लेंगे, सिर्फ एक लेवल 3 का चेक। और उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती, बात मैं करूं तो दोस्तों आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुक में पढ़ाया जा रहा है कि जब आप कोर्स करके निकले, डिग्री लेके निकले, तो एक ऐसी कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, उसको आप जाकर ज्वाइन करें। अब सोचिए क्यों ना बनाए नेटवर्क। ये कोट है, ये शर्ट है, ये घड़ी है, ये अंगूठी है, कहीं ना कहीं से सुशील गुप्ता ने ली है। जब सुशील गुप्ता किसी का नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, उसकी कमाई का जरिया बन सकता है, तो why not? मैं तो अपने दर्जी को, अपने मतलब ज्वेलरी वाले को, अपने कपड़े वाले को, अपने जूते वाले को, कहीं भी जाता हूं, भैया दुनिया का सबसे अच्छा टूट जल है मेरे पास, और अब तेरी दांतों की सफाई उसी से होनी है। पेस्ट एक फायदे अनेक, देख तेरी क्लिंजिंग अब मेरे एलोवेरा से होनी है, मैं तेरा ग्राहक तू मेरा ग्राहक, यही तो बिजनेस है। लोग हेडक ले लेते हैं, होता ही नहीं है उनसे बिजनेस, और मैं तो मजे मजे में कर जाता हूँ, है ना, मैं हंसते खेलते कर जाता हूँ। तो अपना नेटवर्क बनाइए, क्योंकि जिस जिसने नेटवर्क बनाया ना, आज मोदी जी को सब गाली देते हैं लेकिन फिर भी वो एक तरफा जीत जाते हैं। मैं किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, एक्चुअली मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी लोग आज तक मिले उनके अगेंस्ट ही मिले, फिर भी देखिए जिसके पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है, कुर्सी के लिए हर कोई मरता है। बाय नेटवर्क मार्केटिंग 700 कंपनियां, ये कोरोना वायरस से पहले की न्यूज है, 26 जुलाई 2019 की न्यूज है, जो मैंने पेपर कटिंग लगाई थी 5/1/2019, 5 जनवरी 2019, 2018 में भारत में 1.010 करोड़ लोगों ने गवाई नौकरियां, नौकरियों का तो बड़ा बुरा हाल हो रखा है, बहुत बुरा हाल है। जिसकी है उसकी बच नहीं रही, और जिसकी लगी नहीं कैसे लगेगी भाई, जिसकी है उसकी बच नहीं रही। तो आ जाओ फिर डीवाईओ के साथ, आ जाइए, दुनिया का सबसे बेहतरीन अफसर आपका इंतजार कर रही है। करना क्या, इस सेशन में खुद रहना है, और सेशन में रोज 5 लोगों को लेके आना है, रोज 5 लोगों को लेके आना है, और सुशील गुप्ता बताएगा, और सुशील गुप्ता से सुनते सुनते आप भी बताना शुरू कर देंगे, घर में बैठे बैठे बंद कमरे में, न पेट्रोल का खर्चा लगना, न हवाई जहाज में घूमना, न कहीं जाना। मैं तो कहता हूँ ठीक है, बढ़िया है ना, जो आएगा अकाउंट में ही रहेगा। बताओ ना दोस्त, हम तो बताने में ही शर्म करते हैं, बताइए, क्योंकि करोड़ों रुपए मेडिकल में खर्च करके आज MBBS को 30 से 40 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है हॉस्पिटल में। सोचिए 35 से 40 उम्र के नीचे का कोई MBBS नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो 40 से 50 हजार रुपए की नौकरी नहीं होती, 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। अरे उतने पैसे मुझे दे दो, उससे ज्यादा दूंगा महीने के, बनिया बुद्धि। आप लोग नोट बना रहे ना, कमेंट करेंगे, नोट बना रहे, 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार MBA MCA वाले भी मोची बने, माली धोबी बनने के रेस में, 8वीं पास सिपाही चाहिए लेकिन दौड़ रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर MBA। यस यस, रियल है, ये रियल है, दौड़ रहे नहीं दौड़ रहे, दौड़ रहे। राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग, इससे बेहतरीन समय तो कुछ हो ही नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, रामविलास जी दुनिया से चले गए, कह रहे नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, और थैंक्स टू ड्रीमर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने एक ऐसी सोच के साथ इसकी शुरुआत करी, एक ऐसी सोच के साथ शुरुआत करी जहां ना मैं नौकर हूं ना मैं नौकर बनाता हूं, ना मैं नौकर हूं ना मैं नौकर बनाता हूं, एक ही नारा एक ही नाम, मालिक बनेंगे, मालिक बनाएंगे और खूब कमाएंगे। आप लोग भी कमाएंगे, खूब कमाइए। कुछ लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट महंगे हैं, गरीब लोग नहीं, मैं भाई एक बात बता भी, जिसमें मैकबुक पे मीटिंग चल रही है मेरी, है 1.5 लाख का लैपटॉप है,
उसने क्या ये सोच के खोला? लेकिन हाँ, जिसके पास पैसे है ना, उनके पास 10 लाख रुपए भी सर्जरी करवा लेंगे वो। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनके लिए एक ही रास्ता है, फॉरएवर का प्रोडक्ट। वो बिजनेस पार्टनर बनेंगे बनेंगे जिसको पैसे की नीड है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दोनों हाथ से ना लोग या तो सेहत बता के पैसा बता के, सेहत बता के पैसा बता के वो अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। फॉरएवर में 95% लोग गरीबी की हालात में आते हैं, और इस कदर जिस लाइन से हम लोग आते हैं ना, लक्ष्मण सर की बात करूं मैं, लक्ष्मण सर पिछले फॉरएवर से 6 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं, 2829 साल की एज है उनकी। लोग ना डिग्री लेके घूमते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करवाऊंगा सर से, समझे। फॉरएवर में हर गरीब इंसान, हर आम इंसान, मार्केट में क्या है, खराब प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी के हाथ में दिया जाता है ताकि वो क्या करे, इसका प्रचार करे। मतलब अच्छे व्यक्ति से खराब चीज की प्रचार करवाते हैं। थैंक्स टू रेक्स मोन सर, उनके विजन को सलाम सैल्यूट है कि एक आम इंसान को दुनिया का खास प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं? एक आम इंसान को दुनिया का खास प्रोडक्ट देते हैं कि इस खास प्रोडक्ट को बताते बताते आप भी खास बन जाइए। यस, बाय नेटवर्क मार्केटिंग, ये टोनी विलियर्स जी 1997 से 2007 10 साल तक इन्होंने यूके में राज किया, प्राइम मिनिस्टर रहे, सोचिए। और वो क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रीमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। आज फॉरएवर का अगर दो टूट जेल भी आप खरीदते हैं ना, तो उससे जीएसटी जाता है, कंपनी को डायरेक्ट आपके नाम का बिल मिलता है। क्या गवर्नमेंट इसका साथ देगी? नहीं देगी। आज मेरी जितनी भी इनकम है, 6 लाख रुपए का टीडीआर फाइल किया मैंने 2019 का, हेलो, एक नंबर की कमाई जब अकाउंट में आती है ना, कोई ब्लैक मनी नहीं। ब्लैक मनी की तुम यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट साथ देगी नहीं देगी? बिल्कुल देगी। बिल गेट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर जो कुछ भी आज आप हैं, अगर ये सब कुछ आप जीरो हो जाए, पूरे साम्राज्य जीरो हो जाए आपका, तो आप क्या शुरू करना पसंद करेंगे? उन्होंने एक लाइन में आंसर दिया, आज मेरे पास जो कुछ भी है, सब कुछ मुझसे ले लिया जाए, सिर्फ एक चीज मेंस पावर। जो लोग मेरे पास काम कर रहे हैं ना, वो लोग मुझे दे दिया जाए, मैं पहले से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करके दिखाऊंगा। बिकॉज दोस्तों टाइम लीवरेज में बड़ी पावर है, और फॉरएवर में ही आप करोड़पति बने मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप बाहर भी करोड़पति बन सकते हैं, बाहर भी एक अच्छी इनकम, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे, सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ। लेकिन उसके लिए अगर आप मार्केट में कोई फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं, तो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है करोड़ों की, ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, रनिंग कॉस्ट होती है, प्रीमाइसिस, सर दर्द, झंझट, और कोरोना जैसा वायरस आ गया तो घर में पड़े पड़े किराया देना पड़ता है स्टाफों को, उस प्रीमाइसिस जो जगह लिया गया है, और 50-50 लाख रुपए किराया होता है इस सब चीजों का। हल्के में मत लेना, ये जो KFC और डोमिनोज खुले रहते हैं ना, लाखों लाख किराया किराया होता है इनका खाली। जो B2 है ना दरभंगा में, या जो भी बड़े बड़े अग्रवाल साड़ीज है, किराया पूछिएगा गलती से जाकर के। लरिया सराय की बात करूं मैं, जिस जिस सिटी से भी आप हैं, दिल्ली में छोटे छोटी सी जगह, नबी करीम से मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सब है, 1.5-1.5 लाख रुपए देते हैं छोटी सी जगह का, सिर्फ वो अपना एक नाम टांगे रहते हैं बस, उसका 1.5-1.5 लाख रुपए किराया देते हैं। 1.5 लाख की तो नौकरी नहीं है, चाहे सरकारी क्यों ना हो। इसलिए कहता हूँ बिजनेस को समझिए। और जहां फॉरएवर की बात आती है, यहाँ तो लगना कुछ नहीं, मिनिमम ऑर्डर मर्जी से 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, जितनी आपकी मर्जी हो, वैसे 5 cc से ज्यादा मिलना ही नहीं आपको प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ लिटरेचर, ये भी फ्री है, PDF डाउनलोड मारिए, पढ़िए। ट्रेनिंग फ्री की मिल रही है, प्रीमाइसेस लेना नहीं है, मोबाइल से काम हो जाएगा। और जो डाटा हमने मजबूरी में डलवाना ही डलवाना है अंबानी फैमिली की वजह से, उसी डाटा में अपना काम हो जाएगा। जब आप बार बार मीटिंग करेंगे, वाईफाई लगा लीजिए। उसके बाद ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, ओनली अपने अकाउंट को देखना आपको, अपने जो आपकी इनकम आ रही है उस टैक्स वैक्स का यही देखना है, और कुछ नहीं। उसके बाद 24/7 शटर खोलना नहीं। पोटेंशियल मल्टी मिलीनियर यहाँ भी लोग है, मैंने पीछे दिखाया था आपको, लेकिन इतना पैसा आता कैसे है? सिंपल सी बात बताऊं, एक लाइन में समझाता हूं फॉरएवर क्या। आप अकेला लाखों रुपए कमाइए महीने के, फर्क नहीं पड़ता, कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आ गया ना शरीर के अंदर, बेड पे लेट गए ना, तो वो लाखों रुपए पतित हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर 100 व्यक्ति से 1-1 रुपए आपको आ रहा है, 50 को कोरोना हो गया, 50 तो आएगा, डेट इज कॉल्ड फॉरएवर। हेलो,
साल दो साल पांच साल में ज्यादा नहीं, अगर 100 लोगों को भी आपने हेल्थ और वेल्थ बता दिया और एक व्यक्ति से केवल 10 रुपए घंटा आया तो 80 रुपए पर डे एक व्यक्ति से आए, 100 लोगों से 80 × 100 8000 रुपए आए 10 दिन में। हेलो, 10 दिन में 80,000, 30 दिन का महीना होता है, 3×8 = 24, 2,50,000 रुपए आया, लोगों की जिंदगी बीत जाती है 15,000 से 20,000 की नौकरी करते करते। 60 में रिटायर्ड होने के बाद भी 12-15-20 तक की नौकरी करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है, और आप लोगों को ही पता होगा क्या सिचुएशन है। नहीं पता तो अभी अभी आपके सामने गूगल सर्च कर देता हूँ। एक और चीज आपको गूगल सर्च करके दिखाता हूँ। आप लोग भी आप इस ट्रेनिंग के बाद ये सब सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सर्च करके दिखा रहा हूँ या मेरे सिस्टम में ही चलेगा। ये देखिए, हाउ मैनी इंडियंस हुज इनकम बिलो 10,000। दोस्तों मैंने डाला है, ऐसे कितने लोग हैं भारत के अंदर जिसकी इनकम 10,000 रुपए से नीचे है। तो आपके सामने ये डाटा निकल के आया है, आपको प्राउड फील होगा कि एक ऐसे कंट्री में आप रह रहे हैं जहां के लोगों की इनकम 92% फीमेल ऐसी है। दोस्तों शर्म करना चाहिए हमें कैसे देश में जिसे सोने की चिड़िया कही जाती थी। लेकिन अब मैं आपको ये बात कह सकता हूं, आने वाले अगले 5-10 साल के अंदर फिर से सोने की चिड़िया होगी, क्योंकि हर घर में लंबी लंबी गाड़ियां होंगी, हर घर का व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर जैसी कंपनी से लाखों करोड़ों कमा रहा होगा, और वो लाखों करोड़ों सिर्फ क्या दे रहा होगा, आज 21-21 साल के लड़कों ने 4-4 लाख रुपए केवल टैक्स दिया है फॉरएवर के ग्लोबल रैली के चेक से। तो जब हम इनकम ज्यादा करेंगे दोस्तों, तो ये 92% जो फीमेल है जो 10,000 रुपए महीना कमाती है, 82% जो मेल है जो 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, इसकी रेशियो डाउन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप भी इसमें कितना योगदान करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़े तभी हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ी चीज है, देश के लिए अगर कुछ करना है ना तो इतना कमाइए कि दिल खोल के टैक्स भरिए, दिल खोल के लोगों की हेल्प कीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आ जाए, चाहे उन्हें बेड दिलवाने की बात आ जाए, चाहे कितनी भी गंदी परिस्थिति आ जाए देश के अंदर, इतना कमा लीजिए, इतना बैंक बैलेंस कर लीजिए। जब तक कमाइए तब तक कमाइए जब तक आपका अकाउंट बैलेंस मोबाइल नंबर से ज्यादा ना दिखना शुरू हो जाए। उस दिन सोचना नहीं पड़ेगा किसी गरीब का, किसी मिडिल फैमिली का, या किसी जरूरतमंद की हेल्प करने से पहले सोचेंगे नहीं आप, किसी को 10 रुपए 100 रुपए देने से पहले सोचेंगे नहीं आप। लेकिन फॉरएवर बिजनेस, और रेक्स मोनसर एक बात कहते हैं, किसी को 100 रुपए देने से बेहतर है उसे 100 रुपए कमाना सिखा दीजिए, जिंदगी भर कमाता रहेगा, आपका नाम लेगा। ये मैंने दोस्तों क्लियर कर दिया, आप फॉरएवर 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, जिंदगी आपका फैसला आपका, अकाउंट नंबर आपका, जितने मर्जी उसमें डालना चाहें आप। ठीक है, करना क्या है, एक अच्छी कंपनी जो अमेरिका की फिनिक्स एरिजोना की कंपनी है, 2000 से ज्यादा खुद के ऑफिसेज हैं, मुंबई हेड ऑफिस इंडिया का है, 43 ईयर्स 13 मई को हो जाएंगे ऑफ चेंजिंग लाइफ। सबसे बड़ी चीज, बाप बेटों में नहीं बनता, अगर एक पिता के 2 बेटे हैं दोनों बेटों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन पिछले 43 ईयर से 43 सालों से एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में 14 लोग थे मैनेजमेंट, और आज भी वही लोग है, सोच के देखिए कैसी कंपनी। दोस्तों टाइम भी हो रहा है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। लगभग 10,000 से ज्यादा एकड़ एलो प्लांटेशन है हमारी, ये मुंबई का हेड ऑफिस है, सॉरी इंडिया का हेड ऑफिस है, ये मेरी पिक है, बहुत मार्वलस ऑफिस है, 500 करोड़ से ज्यादा का, $3 बिलियन से ज्यादा एसेट है, हम वर्टिकल इंटीग्रेटेड है एलोवेरा के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में, हम लोग हेल्थ, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, एनिमल केयर पे डील करते हैं। हमारी मार्केट है दुनिया में सबसे, 85% की मार्केट हम पूरी पृथ्वी पे कवर करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि एलोवेरा के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में। एलोवेरा की विशेष नॉलेज आपको एलोवेरा की क्लास में मिलेगी। एलोवेरा करता क्या, सिंपल एक लाइन में समझिए कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, नरिशमेंट कर देता है, वो सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें देता है। उसके बाद बात करूं इंडिया में फॉरएवर 2020 में आई, और तकरीबन इंडिया में भी बहुत सारे मिलियनर्स बन चुके हैं। फॉरएवर को करने के लिए किसी तरह का ज्वाइनिंग फीस नहीं, इतना कुछ दिखा करके या सेशन देके, ऐसा नहीं आप लोगों को 10-20-25,000-30,000 का कोई कोट पैंट खरीदना है या साड़ी खरीदना है या सूट खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी स्कैम नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, रिवर्ट पोजिशन नहीं है, यहाँ पे ओवरटेकिंग नहीं है दोस्तों, हाउस होल्ड 15 फर्स्ट डे से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस इनहेरिट प्रॉफिट फॉर 1 डे से है, नो किट स्कीम स्कैम है, ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, 2 से 4 महीने के अंदर आप किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हैं,
11 तरह की इनकम मिलती है मार्केट में, 11 तरह का काम करके एक तरह की इनकम बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। फॉरएवर में आपको एक काम करके 11 तरह की इनकम मिलती है। और आप यहाँ पे दो तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, पहला यूजर बन के, दूसरा बिजनेस मेरी तरह। ये देखिए मैं दिल्ली ऑफिस में बैठा हुआ और ये टीम है हमारी, प्रमोटर बन के अपने आप को सेलिब्रिटी बनाइए, मॉडल बनाइए, वो फॉरएवर सब सिखा देगी। हमारा जो भी बिजनेस होता है पैसों में काउंट नहीं होता, सीसी में काउंट होता है। तकरीबन इंडिया के 15,000 रुपए बराबर एक सीसी होता है, 1,000 बराबर 1,000 पॉइंट्स होते हैं, और हर प्रोडक्ट्स पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। ये आपको मार्केटिंग प्लान में समझ आ जाएगा, मार्केटिंग प्लान जरूर लीजिए हमारा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें 4 लेवल है, नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट, मैनेजर, मैनेजर, 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, 120, या अब तो एक चीज और हो गया कि लगातार किसी 4 महीने में 150 सीसी करके आप मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन 2 सीसी के लिए करना क्या, सिर्फ 2 सीसी का मतलब ये नहीं कि 2 बोतल, एक एलोवेरा की बोतल है उसकी 102 पॉइंट है, 102 पॉइंट है, तो मान लीजिए एक एलोवेरा की कीमत है 1672 रुपए, ठीक। अगर हम 20 एलोवेरा की बात करें तो 2 सीसी हो जाती है, 2040 पॉइंट, मतलब 2 सीसी हो गई। लेकिन ये एलोवेरा की बोतल आपको 1452 रुपए की मिलेगी, 33,440 रुपए का प्रोडक्ट आपको 29,040 रुपए का मिलेगा, 4400 रुपए का बेनिफिट हो गया बिना कुछ लगाए। 2 सीसी के बाद यही एलोवेरा की बोतल 1115 रुपए की मिलेगी आपको, एक बोतल पे 557 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आपने दिन में 2 एलोवेरा भी रिटेल कर दिया तो 1114 रुपए होते हैं, महीने में 30 दिन ये काम कर लिए तो 33,420 रुपए होते हैं। दोस्तों एक बीटेक इंजीनियर की भी इनकम इतनी नहीं है, 33,40,000 रुपए एक बीटेक इंजीनियर की भी नहीं है, फ्रेशर की। आप, मैं कहता हूं यहाँ पे 6 महीने बाद आप लाख रुपए का इंसान बन जाते हैं तो क्या दिक्कत है। अब 2 बोतल रिटेल कीजिए, 20 कीजिए, या आपकी मर्जी है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के 30,000 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। ये मैं बोल नहीं रहा, मेरी टीम में बहुत ऐसे AS हैं जो इतना कमा रहे हैं। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना था मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने बताया आपको 2019 जून से मैंने बिजनेस करना शुरू किया है, 2 मई 2018 का मेरा चेक है जो मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया था, 1807 रुपए 61 पैसे, सिर्फ 2 सीसी करके ये सब मिलेगा, 991 रुपए 80 पैसे आया। फिर मैंने थोड़ा सा और शेयर कर दिया, 9,447 रुपए 83 पैसे आया, उसके बाद काम करना शुरू किया, सिर्फ 2 सीसी, सिर्फ 2 सीसी के प्रोडक्ट लिए थे, उसके बाद तो ऑलमोस्ट फ्री हो गए प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जब काम करना शुरू किया, ये देखिए पेंडेमिक सिचुएशन, जब 22 मार्च 2020 को पूरी दुनिया के अंदर कर्फ्यू लग गया था, उसके बाद थाली बजाओ बत्ती बजाओ क्या क्या हमारा काम धंधा बंद हो गया था 22 मार्च 2020 में, फिर भी जो मार्च का हमारा बोनस था, मेरा बोनस दोस्तों 13 अप्रैल को आया था, ये देख सकते हैं आप, 67,870 रुपए 870 पैसे, TDS कट के 64,410 रुपए, ये अप्रैल में आया जिस समय तराई तराई मचा हुआ था, और उस अप्रैल को 14 अप्रैल को कंपनी ने 537 करोड़ रुपए बांटे थे, जब पूरी दुनिया अपने घरों में थी और कमाया हुआ पैसा नहीं मिल रहा था, उस समय कंपनी ने इतने पैसे बांट दिए थे। सोचिए ऑनलाइन कैसी कंपनी, उस दिन मुझे लगा कि नहीं करना है तो फॉरएवर, दुनिया में और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद ये देखिए सुंदर सा एक चेक आया सितंबर, जब तराई तराई मचा हुआ था सितंबर, अगस्त में काम हुआ, अगस्त के बाद सितंबर का ये चेक है, दिख रहा आप लोगों को, कमेंट कीजिए कैसा है ये इनकम, आप लोगों को चाहिए क्या, प्लीज टाइम भी नहीं है मेरे पास, चाहिए आप लोगों, कमेंट नहीं आ रहा, नहीं चाहिए, अभी मैं बता रहा हूं लोगों के पास काम नहीं है, कमेंट कीजिए प्लीज। दोस्तों सिर्फ 2 सीसी करने के बाद ही स्टार्ट होती है आपकी, 2 सीसी वो सक्सेस ऑफ की है जहां से आप रिटेल प्रॉफिट, ऑटो रिटेल, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, कार प्लान, लीडरशिप बोनस, मैनेजर रिट्रीट इंडिया के अंदर मिलता है लग्जरी, उसके बाद जैम बोनस, ग्लोबल रैली, ग्लोबल रैली मतलब साल में 2 इंटरनेशनल टूर मिलते हैं कंपनी से, 1 नेशनल टूर मिलता है, चेयरमैन बोनस बहुत बड़ा चेक होता है, ये तकरीबन ये सब आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना, पास्ट रैलीज है ये इंटरनेशनल जो जो हो चुकी है आप देख सकते हैं। क्या आप लोग को भी ये चेक्स चाहिए, ये चेयरमैन बोनस लेवल 2 है, 1 करोड़ 80 लाख के अप्रोक्स, 1 करोड़ 20 लाख 57 लाख
टोटल 3,57,00,000 रुपए लेवल 2 में कंपनी ने बांटा था 2017 में। सूर्या सिन्हा जी 3,84,15,689 रुपए 41 पैसे। क्या चाहिए आप लोगों को, प्लीज कमेंट, चाहिए 55 करोड़ से ज्यादा कंपनी बांट चुकी है जब से चेयरमैन बोनस स्टार्ट हुआ है। कंपनी यही नहीं रुकती, कंपनी कहती है और काम कीजिए। यस आशुतोष जी, संतोष जी, कुणाल जी, चाहिए, जिसको चाहिए वो कमेंट कर रहे हैं। इसकी यही नहीं रुकती, कंपनी कहती थोड़ी सी और मेहनत कीजिए आपको हम कार भी देंगे, कार खरीदने के लिए पैसे भी देंगे। 26,000, 39,000, 52,000, क्या कार आ जाएगी? नहीं आएगी। लेकिन ये कंपनी आपको 36 महीने तक देती है। अब आ जाएगी कार? यस आ जाएगी। अगर आपको ये सब चाहिए तो इफ यू हैव अ ड्रीम वी हैव अ प्लान, अगर आपको चाहिए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, प्लान है, आपके पास सपने हैं, अगर है तो आइए साथ मिलके सफल होंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं। नेवर गिव अप। या तो मेंढक ने बगुले की गर्दन छोड़ी तो मेंढक की मौत है, या तो बगुले ने मेंढक को छोड़ा तो बगुले की मौत है। जो यहां पे रुक गया, थम गया, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ आदमी सड़ जाता है, समझ रहे हैं ना? तो प्लीज नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये बुरा समय है, टल जाएगा, चला जाएगा। खुद को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, घर में रहे और प्रोडक्ट यूज करते रहे अच्छी इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छा होगा तो कम से कम 5 cc के प्रोडक्ट मंगाइए और अपने ऊपर यूज कीजिए, फैमिली में यूज कीजिए, अपने रिलेशन में बताइए लोगों को। यही तो समय है, दिल्ली बिहार हर जगह लोग लॉकडाउन के चक्कर में घर में बैठे हैं और इस बार कोई ना तो खाना बना रहा है, ना नई नई डिश बना रहे हैं, ना तो फोन पे ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। इस समय सबका दिमाग खराब है क्योंकि सेहत और पैसा दोनों ही नहीं है। पिछले बार तो लोगों ने इंजॉय किया था लॉकडाउन को, इस बार एक्चुअल में उन्हें चाहिए कुछ। आप पहुंचिए तो सही, ठीक है? इसी के साथ दोस्तों, हमारे रेक्स मोहन जी जो आज करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेस ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज द एम्प्टी वॉलेट। इफ यू वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स और द इल इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशंस, देन गिव अ पर्सन अ चांस टू अर्न अ लिविंग। इनके कहने का मतलब है कि ये बात मैंने आपको बताई हुई थी कि किसी को 100 रुपए देने की बजाय ना उसे 100 रुपए कमाना सिखा दीजिए, ठीक है? तो आई होप कि मैंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। सो लास्ट में एक ही बात कहूंगा दोस्तों, डिसीजन मेकर बनिए। इतना कुछ देख करके एक स्टोरी बताऊंगा और उस स्टोरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय भी ज्यादा हो चुका है। और थैंक्स फॉर कि आप लोग साथ है, कि दोस्तों एक नदी के किनारे, एक तालाब के किनारे, एक डाल पे, पेड़ पे जो है एक बंदर और बंदरिया बैठे होते हैं और वो बंदर बंदरिया बैठे होते और आपस में बात कर रहे होते कि काश हम राजकुमार होते, राजकुमारी होते। तो एक भविष्यवाणी होती है आकाश से, आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में बोलते हैं कि अभी अभी इस आकाशवाणी के खत्म होते ही जो इस नदी में तालाब में कूद जाएगा वो राजकुमार राजकुमारी बन के निकलेगा। इस बात को सुनते ही राजकुमारी क्या करती है, राजकुमारी नदी में कूद जाती है, राजकुमारी नदी में कूद जाती है और वो जो बंदर होता है ना, सॉरी, बंदरिया नदी में कूद जाती है, वो राजकुमारी बन जाती है। लेकिन बंदर जो होता है डाल पे बैठा रहता है, राजकुमारी जो है अपने राजकुमार को इधर उधर ढूंढती है, राजकुमार दिखता ही नहीं है। जब राजकुमार नहीं दिखता तो फिर वो बाहर आती है और आकर के वही बंदर से बोलती है कि व्हाई आर यू नॉट कूदिंग, मतलब आपने जंप क्यों नहीं लगाया। तो कहती आप हो कौन, कह रहा मूर्ख मैं वही बंदरिया हूं। कहता मुझे विश्वास नहीं था उस आकाशवाणी पे। तो बंदरिया घींच करके एक थप्पड़ देती है बंदर को और कहती है कि आकाशवाणी हुई सुना? हाँ सुना। आकाशवाणी हुई अगर तुमने सुना तो तुम्हें, अगर नहीं बनते राजकुमार, अगर तुम कूद जाते और नहीं बनते राजकुमार तो रहते तो बंदर ही। तो दोस्तों अगर इस सेशन में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक पॉइंट भी आपको ऐसा क्लिक किया हो माइंड में जिससे आपको लगे कि यस नाउ स्टार्टेड दिस बिजनेस और अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज स्टार्ट कीजिएगा, मंजिल मिल ही जाएगी। भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, ठीक है दोस्तों?
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ आऊंगा। और आप लोग अपने अपने ग्रुप में प्लीज कमेंट करें, और कमेंट करें कि आज का सेशन कैसा लगा, और यहाँ भी कमेंट करें ताकि मैं भी अगली बार से जब आऊं तो फुल एनर्जी के साथ आऊं। और मैंने बोला था कि लास्ट में कुछ दिखाऊंगा, उससे पहले मैं गुरुजी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज चाहूंगा कि इस सेशन का वाइंड अप आपके थ्रू हो। जो आप दिखाना चाह रहे दिखा दो ना पहले। चलिए ठीक है सर, दिखा। स्क्रीन दिख रही है क्या? यस यस, अभी दिख रही है, ब्लर है अभी। अच्छा अच्छा ये दोस्तों वीडियो है, अभी रिसेंटली 10 अप्रैल की वीडियो है, टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली टर्मिनल 3 की है, जहाँ पे अभी आपको इस दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील गुप्ता, फॉरएवर बिजनेस ओनर और ट्रेलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप पैसों से नहीं खरीद सकते, आपकी वैल्यू क्रिएट होती है मार्केट में, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में लग्जरी लाइफ है क्या। ये मेरे गुरु जी सर, ये दोस्तों ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का लोन्स है, और ये एक ऐसी जगह पूरी लग्जरी लाइफ है। और यहाँ पे ना मैं आपको जस्ट वेट यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ओके ओके, कैन यू गिव मी मेन्यू? ओके, दोस्तों ये एक ऐसा मेन्यू कार्ड है जिस पे ओनली फॉर क्या है, मेन्यू पे डिशेज है, बट यहाँ पे प्राइस नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं इस मेन्यू पे लिखा हुआ किसी भी चीज़ को ऑर्डर करके खा लूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये कॉफ़ी टी, एक्चुअल में यहाँ कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ, वाइन है, बियर है, सब कुछ है। तो खैर मैं वाइन वगैरह तो पीता नहीं, कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ और बदले में मुझे कुछ भी पे नहीं करना। एक्चुअल में ये जो खुशी है ना, ये डिपेंड करती है आपके सिविल पे। किस पे? आपके सिविल पे। आप एक्चुअल में आपका सिविल डिसाइड करता कि आपकी इनकम क्या है, है ना? और जब आपकी इनकम अच्छी होती है ना, तो ये देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड देखिए, प्रायोरिटी पास है, ये वो कार्ड है। इस कार्ड से ना यहाँ पे बैठ करके मैं कुछ भी इंजॉय कर सकता हूँ, कुछ भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आपको मैंने मेन्यू कार्ड दिखाया, ये दुनिया का पहला ऐसा अजूबा आपको मेन्यू कार्ड लगेगा शायद, अगर आप नहीं जानते होंगे तो, जिस मेन्यू कार्ड पे प्राइस नहीं है, ओनली क्या है, डिशेज है।
तो आप भी इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और फुल्ली एंजॉय विदाउट एनी चार्ज एनी कॉस्ट। आप यहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है, जितना खाना चाहें जितना जो ऑर्डर करना चाहें एज योर विश। तो आइए और दोस्तों समझिए, पैसा कमाइए, जिंदगी में बहुत वैल्यू है पैसे कमाने वालों की। थैंक यू, धन्यवाद सर। ये सच्चाई है, ये एक ऐसी जगह थी जहां से आप अपने लाइफ को जीना की स्टार्टिंग होती है। मतलब ये मंजिल नहीं है, यहाँ से शुरुआत है। सपने देखने की शुरुआत कीजिए। ज्यादातर लोग सपने इसलिए नहीं देखते हैं कि वो टूटने से डरेंगे, उन्हें डर लगता है मेरे सपने टूट जाएंगे। हिम्मत कीजिए, सपने देखिए, जरूर पूरे होंगे। क्योंकि हर कामयाब इंसान पहले चोट खा के गिरता है। अगर चोट के डर से अगर आप खड़ा होना छोड़ देंगे, चलना छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कुछ बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। आज सुशील जी ने जितने भी ट्रेनिंग दी, बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी, उन्होंने फ्यूचर के बारे में बताया, उन्होंने प्रेजेंट के बारे में बताया, उन्होंने पास्ट के बारे में बताया, तीनों चीज बताई। अब उनमें से क्या चीज आपको अच्छे लगते है, ये आपका नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्यूचर के लिए है तो ये है तो बैलेंस, यानी बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री के बारे में बताया। प्रेजेंट में आज क्या हालत है, हर कोई व्यक्ति जानता है कि आज किस स्थिति में वो जी रहा है। पीछे का जमाना क्या था, अगर हम नहीं थे तो हमारे माँ बाप बता सकते हैं कि पीछे की स्थिति क्या थी। आज सुशील जी का जो सेशन था, मुझे तो दिल से कह रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुशील जी, मजा आ गया। ऑसम, आज तक मैंने आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, लेकिन ये सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग थी इसके लिए, सुपर से भी ऊपर, सबसे बेस्ट। आप पूरे के पूरे इसके अंदर बिल्कुल कमांड पे थे और आपने एक एक चीज को इतना बढ़िया डिफाइन किया कि मजा आ गया। बाकी मैं फिर एक बात बोलूंगा कि जिस लोग जो इसमें सेशन में था उसको तो जरूर ये चीजें समझ में आई होगी, और जिसे नहीं समझ में आई आप ग्रुप पे जाके जरूर डिस्कशन कीजिएगा, और ग्रुप में जब डिस्कशन करेंगे तो सामने वाले को ये पता रहे कि उसने क्या मिस कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस सेशन में कितने लोग हैं, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर जितने भी लोग हैं अगर उनके अंदर कुछ उम्मीद है और वो कुछ करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, इससे बढ़िया सपोर्टिंग सिस्टम कोई नहीं है। केवल आप हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर एक नई ट्रेनिंग के साथ हम मिलेंगे और ट्रेनिंग की जानकारी आपको मिल जाएगी, अपने अपने ग्रुप्स तक आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आज इस मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। ओके सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच।